तो विरोध भी करेंगे सांसदों को जो मतलब सस्पेंड किया गया है विपक्षी सांसदों को, लेकिन जो बड़ी बातें हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है, गौरव भाटिया जी वो ये कह रहे हैं कि आपकी समझ ये हो गई है कि सत्ता के लायक सिर्फ आप ही हैं, आप ही देश पर हुकूमत कर सकते हैं, विपक्ष एकजुट हुआ है आपको रोकने के लिए, मिलकर लड़ेंगे हम, प्रतिबद्ध है, ये कह रहे हैं खड़गे साहब। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, खड़गे जी को मैं सुन रहा था, ये लोग बात करते हैं कि संसद में हम लोग जाएंगे, सवाल उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए। आज एक नागरिक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र के मंदिर को एक सड़क छाप जगह बना दिया, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आज किया है कल्याण बैनर्जी जो एमपी हैं टीएमसी के, क्या वो मर्यादा को तार तार नहीं करता संसद की? दूसरी बात, आप सभापति जो हैं, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, जिनके बारे में मैं ये बता दूं कि वो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, गवर्नर रहे हैं और उपराष्ट्रपति अभी है, उसके लिए आपके मन में आदर का भाव नहीं है और राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, इससे ज्यादा हल्की बात क्या हो सकती है? ऐसे लोगों को तो सम्मान मिलना ही नहीं चाहिए। और ये मान लीजिए अंजना जी, अभी खड़गे जी को सुन रहा था, अच्छा होता वो माफी मांगते पूरे देश से कि राहुल गांधी ने फिर दिखा दिया कि उनको छिछोरा क्यों कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के मंदिर में कभी वो आंख मारते हैं, कभी वो जाके गले लगते हैं प्रधानमंत्री के, और कभी वो वीडियो बनाते हैं उस शख्स का जिसको उन्हें जाके रोकना चाहिए था कि उपराष्ट्रपति इस सदन के सम्मानित चेयर हैं, उनका अपमान मत करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, ऐसी चोट देगा, आप देखिएगा कि जहां ये डबल डिजिट में है ना, ये सिंगल डिजिट में रह जाएंगे, और जहां मोदी जी रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाते हैं, वहां घमंडिया की अभी आप बात कर रहे थे, घमंडिया विक्टिम कार्ड लेके जाता है, एक तरफ रिपोर्ट कार्ड एक तरफ विक्टिम कार्ड। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, क्या ये कानून से ऊपर है? संसद की गरिमा से ऊपर है? कानून कहता है कि प्लेकार्ड नहीं दिखा सकते, क्यों दिखा रहे? कानून कहता है कि आप वहां स्लोगन शाउटिंग नहीं कर सकते, क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं बेरोजगार थे इसलिए संसद पे हमला किया, आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात उठाई है, हाँ। कि ये मजबूत करते हैं हर उस ताकत को, ठीक है, जो ताकत देश विरोधी होती है, इनका चरित्र देश विरोधी है, इनका डीएनए देश विरोधी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुप्रिया श्रीनेत जी, तमाम सवालों पर आज भारी ये सवाल दिखता है कि संसदीय मर्यादा की आप बात करते हैं, दुहाई देते हैं, लोकतंत्र को बचाने की संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल एकजुटता पर भी आज पूछा जा रहा है, क्योंकि सामना के जरिए पूछा जा रहा है चेहरा कौन। अब हम लोग नहीं पूछ रहे, अब आप ही के गठबंधन के साथ ही पूछ रहे हैं कि मोदी के सामने चेहरा कौन, और ये आपको बता रही है जेडीयू, राजीव रंजन जी तो जवाब देंगे ही, राजीव जी की पार्टी, कि एक साल बर्बाद हो गया, बीजेपी जमीन पर काम कर रही थी, कांग्रेस ने गठबंधन के साथियों की अनदेखी की। दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले सड़क छाप और छिछोरा, दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहां पर, तो बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने, जब सदन के अंदर कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। बड़ी छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था दीदी, ओ दीदी कहकर। बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को, कांग्रेस की विधवा, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। और बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। शब्दों का चयन अगर सामने से ठीक होगा तो जवाब भी पूरा सम्मानजनक मिलेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत दो हम भी मारेंगे। तो मेरा पहली आपके वक्तव्य, क्योंकि आपने टोका नहीं उनको, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है सड़क छाप और छिछोरे का जवाब देने के लिए। अंजना जी, मैं काफी हतप्रभ हूं, मैं एक्चुअली काफी शॉक्ड हूं, मैं बहुत विस्मय में हूं। आज भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है कि अवमानना हो गई,
संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, उनके लिए ये चिंता का ज्यादा बड़ा विषय नहीं है कि सदन के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। आप मेरी एक बात का जवाब दिलवा दीजिए, ये देश का सदन है, ये देश का संसद है, जहां पर चुने हुए परिपक्व सांसद हैं, 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, या ये केजी या नर्सरी का क्लास है जहां पर बच्चों को स्टैंड अप, सिट डाउन, पुट योर हेड डाउन, पुट फिंगर ऑन योर लिप, ये नर्सरी के बच्चे हैं। अगर सदन में सांसदों को जवाब सरकार नहीं देगी, अगर गृह मंत्री सदन में वक्तव्य देने के बजाय टीवी चैनल पर बैठ के जबानी जमा खर्च करेंगे और प्रधानमंत्री अखबार में वक्तव्य देंगे, तो सदन का मतलब क्या है? खत्म करिए इस ढोंग को, लगाइए संसद पर ताला और चलाइए जैसे आप चला रहे हैं। क्योंकि आपको कानून पास ऐसे कराने जिससे ये पुलिस स्टेट बनेगा, क्योंकि आपको सीसी को अपने अंगूठे के नीचे रखना है, क्योंकि आपको टेलीकॉम का नया कानून पास कराना है जिसमें कहीं भी कभी की किसी की टैपिंग हो सकती है, आप ये सब कर रहे हैं। तो मेरे लिए ज्यादा विस्मय का विषय ये है कि 141 लोगों को निलंबित किया गया। और मैं फिर से एक बात पूछती हूँ, ये जो बोगी बड़ी आहत है संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की अवमानना से, इस बोगी के ऊपर ताला कब क्यों लगता है भाजपा की इस बोगी पर? जब मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए फिर मैं बोलने नहीं दूंगी, ये बोगी चुप तब क्यों हो जाती है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशुद्ध राजनीति करते हैं, जब वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते हैं, जब वो विपक्ष के नेताओं पर गंदी टिप्पणी करते हैं और लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोकतंत्र के भक्षक बन जाते हैं, ठीक है, तब ये अपने मुंह में दही क्यों जमाते हैं? आज सवाल इस बात का है। ठीक है, मैं सबका जवाब लूंगी, सबसे लूंगी, लेकिन लेकिन सुप्रिया जी, निलंबित क्यों है? सुप्रिया जी, आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। मैं उत्तर, मुझे एहसास है कि आप उसका जवाब नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि वो एक सेकंड, गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज वेट, आपने समय, प्लीज नो, मैं आपको इंटरफेयर नहीं करने दूंगी, आवाज नीचे कीजिए, नहीं, इस बहस में मैं तय करूंगी कौन कब बोलेगा, प्लीज, आप लोगों से पूरे सम्मान के साथ मैं बोल रही हूं, अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन आपको मेरा प्रश्न असहज करता है, इसलिए सुप्रिया श्रीनेत जी, आपने मेरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न तक नहीं किया। दूसरी बात, नहीं, अब आप सुनिए, आप सुनिए, आपने जवाब नहीं दिया एकजुटता पर, आपने जेडीयू के प्रश्नों पर जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, आज तक पर बीते दिन भी मैंने एक घंटे बहस की थी इसी सांसदों के निलंबन पर, और आज तक पर आज भी शाम 5 बजे सांसदों के निलंबन पर ही बहस हुई है। तो दूसरी बात कि आप जो अन्य बोगी का बैगेज लेकर आती हैं उसको दूर रखिए, क्योंकि हमारे मंच का इस्तेमाल दूसरे लोगों पर चोट करने के लिए मत कीजिए, जो प्रश्न है उस पर जवाब दीजिए। तीसरी बात, आप कहती हैं कि संसद परिपक्वता की जगह है, तो वो वीडियो फिर से दिखाइए। इस वीडियो में आपको कौन सी परिपक्वता दिख रही है? ये प्रश्न है जिसको एक बार फिर से वीडियो दिखाइए। परिपक्वता का अगर आप इसे मंच बता रही हैं, तो आपसे मेरा प्रश्न है कि ये परिपक्वता है? इसमें कौन सा परिपक्वता का आपको इतना भाव दिख रहा है? ये आप तय कीजिए, जनता करे जो कर रही है।